हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू वर्ल्ड, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि आपने नया नया SLR लिया है या आप SLR यूज़ करते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं लेंसेस, तो आप कौन से लेंस अपग्रेड करिए या कौन सा लेंस आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम बिगिनर की, मतलब जो बिल्कुल SLR लाइन में नए नए हैं, जो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या जिनको नॉर्मल फैमिली पर्पस से काफ़ी अच्छी फ़ोटोएँ लेनी है, तो उनके लिए कौन से लेंसेस अच्छे रहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों नॉर्मल सभी लेंसों के, सभी कैमरों के साथ में 18-55 लेंस तो साथ में आता ही आता है, आप उसके बगैर तो फोटोग्राफी कर भी नहीं सकते हो। तो वो तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक यूज़ कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो 18-55, लेकिन अगर आपको उससे ऊपर कोई लेंस लेना है तो आप कौन सा लेंस लें, वो भी डिपेंड करता है आप किस टाइप की फोटोग्राफी करना चाहते हो। जैसे मान लो किसी को शौक होता है स्टोन्स वगैरह, कॉइन वगैरह, फ्लावर वगैरह की क्लोजअप फोटोज़ वगैरह लेने का, तो आप जूम लेंस मत लीजिए दोस्तों, आपके लिए स्पेशल लेंस माइक्रो लेंस लीजिए। आप माइक्रो लेंस में 40mm 50mm आराम से आपके 20,000 से 30,000 के बीच में कैनन निकोन के आ जाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। अगर आपका यूज़ जूमिंग का है, आप आउटडोर ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए जैसे कैनन में आप 55-250 ले सकते हो या 70-300 ले सकते हो। निकोन में आप बात करें तो 55-200 या 70-300 जो नए लेंसेस आए हैं AFP वो ले सकते हो, उनमें जूमिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो आप आउटडोर शूट करते हैं, ज़्यादा आपका बजट नहीं है, जस्ट आप 20-25 की रेंज में आप कोई अच्छा लेंस देख रहे हैं और जूम थोड़ा, आपको जूम पावर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए ये लेंस बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं प्राइम। मान लीजिए कि आप या तो वीडियो शूट करना चाहते हैं, वीडियो क्या है प्राइम फिक्स फोकस लेंथ होते हैं, तो उनमें वीडियो थोड़ा अच्छा बनता है आपके, प्लस उनका अपर्चर वैल्यू काफ़ी कम होता है, 1.8 या 1.4 भी हो सकता है, या कैनन के एक दो लेंसेस आते हैं जिनमें 1.2 भी आता है, तो उनमें क्या होता है जो पीछे का बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा ब्लर भी होता है, प्लस उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होती है। तो प्राइम लेंसेस मतलब सिर्फ आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी लेनी है या पीछे का बैकग्राउंड बुके इफेक्ट आपको ज़्यादा डालना है, तो उसके लिए आप 50mm 35mm या फिर 85mm तक आप जा सकते हैं निकोन या कैनन में, जो कि आपको वो भी अंडर 50mm या 35mm तो आपको 10,000 के अंडर मिल जाएंगे। 85mm हालांकि थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन वो भी आपको 25,000 तक ईजिली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है अपने जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, तो वेडिंग फोटोग्राफर के लिए जैसे कि मैं बात करना चाहूँ तो ज़्यादा मतलब उनको फुली प्रोफेशनल नहीं जाना है, नॉर्मल यूज़ के हिसाब से उनको लेंस देख रहे हैं, वो अपग्रेड करना चाहते हैं 18-55 से, तो फर्स्ट तो आप 18-140 ले सकते हैं। अगर नॉर्मल आप 7,000, 7,100, 7,200 यूज़ करते हैं या 3200 यूज़ करते हैं तो 18-105 या 18-140 नॉर्मल होता है, लेकिन आपका थोड़ा बजट अच्छा है, थोड़ा आप हाई रेंज में जाना चाहते हैं, थोड़ी क्वालिटी और बेस्ट चाहते हैं, तो वेडिंग फोटोग्राफर के लिए जैसे 2470 आता है, 2.8 वो काफ़ी अच्छा लेंस है। उसके अलावा अगर वेडिंग में भी वाइल्ड कैप्चर करना है आपको तो 14-24mm आता है, 2.8। उसके अलावा अगर थोड़ा जूम या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो, या कैंडेंट स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर कैंडेंट फोटोग्राफी के लिए आजकल मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, तो उसके हिसाब से आप जैसे कैमरॉन में ले सकते हो, निकन में ले सकते हो, कैनन, जो भी आप लेना चाहो। जैसे कि मान लीजिए 70-200 है आपका 2.8, निकोन और कैनन में लगभग 140,000-145,000 का आता है, लेकिन आपका मान लीजिए इतना बजट नहीं है, इतना 1,00,000 से ऊपर का आप नहीं ले सकते हो, तो आप कैमरॉन भी देख सकते हो दोस्तों, कैमरॉन भी ठीक है, हालांकि जब निकोन कैनन में जितना आपको अच्छा लगेगा, जितनी इमेज क्वालिटी बेटर आएगी, ग्लास क्वालिटी बेटर रहेगी, फोकस फास्ट रहेगा, उतना कैमरॉन में नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्वालिटी आपको फिर भी अच्छी मिल जाएगी 70-200 कैमरॉन में भी। तो अगर आप 80-90,000 के पास देख रहे हैं तो कैमरॉन भी 70-200 2.8 ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में बात आती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में, तो आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए जैसे 1680 है अगर आप DX यूज़र हैं तो निकोन का, या 200-500 आता है कैनन में बात करें, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो 100-400 है, तो ये लेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो 200-500
या आप उससे भी ऊपर 300 mm, 400 mm, 600 mm वो सब ले सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी लेंसेस या SLR के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी दे सकें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीचे जो रेड बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।